हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडीज प्रोवाइडेड बाय शीशम स्कूल। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास फिफ्थ। द चैप्टर नेम इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो आपका कंप्लीट हो चुका है, आज हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद डिवीजन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पिछली क्लासेस में भी मल्टीप्लिकेशन पढ़ी होंगी, फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो आप तो ऑब्वियस बात है फोर्थ स्टैंडर्ड में मल्टीप्लिकेशन आपने की होगी। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है। जैसे टेबल जो होती है वो भी क्या है, एक तरह की मल्टीप्लिकेशन ही है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको पिछली क्लासेस में किस तरीके से करते हैं ये सारी चीज़ें पता हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकलता है हमारा, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है हमने, सपोज़ कीजिए इन दोनों को, तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ये जो आंसर जो निकल के आया है ना, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। और ये जो दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, एक है मल्टीप्लिकेंड है। तो मल्टीप्लिकेंड जिन नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है आपस में, और प्रोडक्ट जो आंसर निकल के आता है। तो इसके बीच में हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें इसमें क्लियर होनी चाहिए। आइए देखते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स द प्रोडक्ट मी रिमेन्स द सेम इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स चेंज। दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए बहुत ही सिंपल बात है, टू मल्टीप्लाई थ्री करूँ या थ्री मल्टीप्लाई टू करूँ, टू मल्टीप्लाई थ्री भी कितना होता है सिक्स, एंड थ्री मल्टीप्लाई टू भी कितना होता है सिक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ या इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, आंसर हमेशा सेम आएगा। इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में 25 इंटू 5 है और 5 इंटू 25, दोनों का आंसर 125 ही निकलेगा। 230 इंटू 11 है या 11 इंटू 230 है, दोनों का आंसर यही निकलेगा। आई होप आपको प्रॉपर्टी वन समझ आई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स ऑल्सो रिमेन्स द सेम इवन इफ द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज चेंज्ड। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर हम तीन नंबर को ले रहे हैं, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑर्डर कुछ भी ले रहा है, तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा। जैसे देखिए तीन नंबर है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इसका जो आंसर है, फिर इसको उससे इसको मल्टीप्लाई किया, तो भी आंसर सेम आएगा। या फिर पहले हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर आंसर को इससे मल्टीप्लाई करें, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर आंसर को इससे, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम होगा। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। प्रॉपर्टी थ्री, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पे आंसर जीरो होगा। 100 इंटू जीरो भी जीरो होगा, 1 इंटू जीरो भी जीरो होगा, दिस मच इंटू जीरो भी जीरो ही होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय वन द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वो नंबर खुद ही होगा। जैसे ये नंबर है, इसको वन से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये नंबर ही इसका आंसर होगा। ये नंबर है, इसको वन से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये नंबर ही इसका आंसर होगा। तो वन से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, जो आंसर होता है हमारा वो नंबर ही होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा रखा है बहुत अच्छे से, इसको आप देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इसको मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको मल्टीप्लायर, और जो आंसर होते हैं ये प्रोडक्ट होता है, जैसे ये आंसर है। अब आपको पता है जैसे हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेंड ऊपर रखते हैं, मल्टीप्लायर को नीचे रखते हैं। पहले इस टू को इन सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर देखिए ये जो ये है ना, इस जो फर्स्ट डिजिट, इस यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, जीरो या फिर ऐसे क्रॉस लगा देंगे। फिर इसका जो आंसर लिखेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई का रूल होता है। जैसे देखिए, टू टू ज़ा फोर, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, कैरी वन, फोर टू ज़ा एट और वन नाइन, थ्री टू ज़ा सिक्स, फिर हमने यहाँ जीरो लगा दिया, फोर टू ज़ा एट, सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर, का फोर कैरी टू, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, टू एटीन, कैरी वन, फोर से ट्वेल्व वन वन थर्टीन, एंड फिर इसको प्लस कर दिया, फोर एट टू टेन कैरी वन, टेन फोर्टीन कैरी वन, नाइन सिक्स फिफ्टीन कैरी वन, फोर एंड वन। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे देखिए आपकी फिलअप्स हैं, किस तरीके से फिल करोगे, यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो ऑब्वियसली बात है जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तभी जीरो आएगा। यहाँ पे देखिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि यही आंसर आए, सेम डिजिट से, मतलब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आंसर आ जाएगा। इन दोनों को देखिए, यहाँ पे इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों के रिजल्ट के इक्वल आएगा। तो ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स 25 798।
नेक्स्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज फिल कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वन से जब इस नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये नंबर ही होगा, आपको भी पता है ये नंबर यहाँ पे लिख देना है आपको 85793। यहाँ पे देखिए क्या है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, इक्वल दे रखा है, ये वाला नंबर आपको दे रखा है तो ये वाला नंबर इसका आंसर हो जाएगा 8175। तो यहाँ पे आप 8175 ये इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, दिस थ्री मल्टीप्लाईज के ऑर्डर्स चेंज कर रखे हैं, बस जो नंबर इसमें मिसिंग है वो आपको लिख देना है। यहाँ जैसे 6 आ गया और यहाँ क्या जाएगा 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये आपको सिंपल मल्टीप्लाई के हैं, ये आपको नोटबुक में करने हैं। आई होप जैसे आपको पिछले एग्जाम्पल में दिखा रखा था उस तरीके से ही आपको ये नोटबुक में करने हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये एक्सरसाइज आपको पहले बुक में फिर नोटबुक में अच्छे से करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।